हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं टॉप 9 सबसे ज़्यादा डरावनी हॉरर मूवीज़, जो सभी हॉरर मूवीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी नेटफ्लिक्स पे, और इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल हैं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी 9th मूवी द परफेक्शन जो आई थी 2018 में, ये एक ड्रामा हॉरर म्यूजिक मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई दो लड़कियों की, जो एक अकेडमी से म्यूजिक सीखती हैं यानी वायलिन बजाना सीखती हैं, और ये दोनों ही अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। लेकिन इसमें से एक दोस्त अपना काम छोड़ देती है और कहीं और शिफ्ट हो जाती है। लेकिन काफ़ी साल बाद उसको पता लगता है कि उसकी दूसरी दोस्त एक बहुत फेमस म्यूजिशियन बन चुकी है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, जिसके बाद ये मिलने जाती है उससे उसी एकेडमी। वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से अच्छी अच्छी बात करते हैं और वापस दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अचानक से उस फेमस लड़की के साथ बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया हो। आखिर इस सबके पीछे कौन है और क्यों कर रहा है इसके साथ, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी हस जो आई थी 2016 में, एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़की की, जो ना ही कुछ बोल सकती है ना ही कुछ सुन सकती है। ये शहर से बहुत ज्यादा दूर सुनसान इलाके में रहती है, जहाँ पे आसपास कोई भी इंसान नहीं है दूर दूर तक। एक दिन ये घर में अकेली होती है, इसकी दोस्त इससे मिलने के लिए आई होती है। लेकिन इसके दोस्त का पीछा करते हुए एक सीरियल किलर भी इनके पीछे पहुंच जाता है। वो इसकी दोस्त का मर्डर कर देता है और अब ये घर में बिल्कुल अकेली है। ऐसे में किस तरह अपनी जान बचाती है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी को रेटिंग्स 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी एनाबेल जो आई थी 2014 में, ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एनाबेल डॉल की। जिन लोगों को नहीं पता एनाबेल डॉल के बारे में, उनको मैं बता दूं कि 80s के समय में एक ऐसी डॉल थी जिसका नाम था एनाबेल, जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इस डॉल को जो भी अपने साथ ले जाता था उसके घर के अंदर ये डॉल इधर उधर घूमती रहती थी। बहुत सी वीर्ड चीजें उनके घर में होती थी और एट द एंड वो सभी लोग मारे जाते थे जिन लोगों ने इस डॉल को ऑन किया था यानी अपने पास रखा था। तो उसी डॉल की कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, यानी इस मूवी के अंदर जो भी चीज दिखाई जाने वाली है ऐसा एक्चुअल में हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई कपल की, जिनका एक बेबी होता है, लेकिन इनके घर के अंदर एक डॉल भी होती है जिसका नाम होता है एनाबेल। अभी एनाबेल डॉल क्या करती है इनके घर के अंदर, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए, और ये लोग कैसे बचते हैं उस एनाबेल डॉल से वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर। इस मूवी को रेटिंग्स 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी ऑक्युलस जो आई थी 2013 में, ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़की की, जिसके भाई के ऊपर ये आरोप होता है कि उसने अपने ही पेरेंट्स का मर्डर किया है। लेकिन इन दोनों भाई बहनों को ये सच पता होता है कि इस मर्डर के पीछे सुपरनेचुरल फोर्स का हाथ है, आत्माओं का हाथ है, क्योंकि इनके घर में बहुत समय पहले एक मिरर था जिस मिरर के अंदर भूत प्रेत रहते थे, बुरी आत्माएं रहती थी, और उन्होंने ही इनके पेरेंट्स का मर्डर किया था। अब इस लड़की को किसी भी तरह प्रूफ करना है कि उस मर्डर के पीछे इसके भाई का हाथ नहीं था, इन सुपरनेचुरल फोर्स का हाथ था। तो आखिर कैसे ये लोग उन सभी चीज़ों को प्रूफ करते हैं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर और नेटफ्लिक्स पर। ये मूवी वैसे तो हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ये मूवी इंग्लिश में ही अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी नेक्स्ट मूवी गेराल्ड्स गेम, ये मूवी आई थी 2017 में, ये एक ड्रामा हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई कपल की, जो लोग अपनी वेकेशन बिताने के लिए जाते हैं शहर से बहुत ज़्यादा दूर। लेकिन वहाँ पे ये लोग थोड़ी मस्ती करने का सोचते हैं और ये अपनी वाइफ के हाथ में हथकड़ियाँ लगा देता है। लेकिन उसी समय वाइग्रा के ओवरडोज की वजह से इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसके बाद अब ये अकेले वहाँ पे बंधी हुई है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो इसकी मदद कर सके, और ये सब कम था कि वहाँ पे एक जंगली कुत्ता भी आ जाता है, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, और वो इसके हस्बैंड की बॉडी को खाना शुरू कर देता है क्योंकि इसका हस्बैंड मर चुका है। और दूसरी तरफ जैसे ही रात होती है वहाँ पे कोई और भी आ जाता है। अब आगे क्या होता है इस लड़की के साथ, ये किस तरह अपनी जान बचाती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी को रेटिंग्स 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी 1922 जो आई थी 2017 में, ये क्राइम ड्रामा हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की, जो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि बहुत सारे इशूज होते हैं, इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, फाइनेंशियल इशू होते हैं, ज़मीन के इशू होते हैं। इसी वजह से ये अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही वाइफ को मारने का प्लान बनाता है और ये लोग मर्डर कर भी देते हैं, जिसके बाद इनको किन किन चीज़ों को भुगतना पड़ता है, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। अभी तक आपने जितनी भी मूवीज़ देखी होंगी उनके अंदर आपको पहले भूत प्रेत दिखते हैं, बाद में धीरे धीरे पता लगता है कि इनका मर्डर कैसे हुआ था। लेकिन इस मूवी के अंदर शुरुआत ही मर्डर से हुई है, जहाँ पर धीरे धीरे आगे क्या कुछ होता है और ये लोग और इनके पड़ोसी किस तरह उन सभी चीज़ों को भुगतते हैं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी अपोस्टल जो आई थी 2018 में, ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की, जिसकी बेटी को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं एक आइलैंड पे। वो लोग इससे एक बहुत बड़ी फिरौती मांगते हैं, बहुत सारा पैसा मांगते हैं।
ये आदमी देने को तैयार भी हो जाता है, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं होती इसलिए ये खुद नहीं जा सकता। इसलिए अपने बेटे को भेजता है उस आइलैंड पे। इसका बेटा जब वहाँ पे पहुँचता है तो सारी चीज़ें देखता है और इसको पता लगता है कि अगर इसने पैसे दे भी दिए तब भी वो लोग इसकी बहन को नहीं छोड़ने वाले और इसे भी मार डालेंगे। और इसको कुछ बहुत ही भयानक चीज़ें उस आइलैंड के बारे में भी पता लगती हैं। ऐसे में अभी किस तरह अपनी बहन को बचाता है और अपने आप को बचाता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए, और आखिर इसको क्या पता चला उस आइलैंड के बारे में वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। इसको रेटिंग्स मिले 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी स्क्रीम जो आई थी 1996 में, ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक छोटी से स्मॉल टाउन की, जहाँ पे अचानक से बहुत से मर्डर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक आदमी गोस्ट मास्क पहन के लोगों को मार रहा है। और अब वो हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर के पीछे यानी हीरोइन के पीछे पड़ गया उसे मारने के लिए। ऐसे में ये किस तरह अपनी जान बचाती है वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये काफ़ी कमाल की हॉरर मूवी है जिसका 5th पार्ट जल्द ही आने वाला है 2022 में। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी ऑर्फन जो आई थी 2009 में, ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक हस्बैंड वाइफ की और उनके दो बच्चों की। वाइफ प्रेग्नेंट होती है, उसका तीसरा बेबी होने वाला होता है लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं हो पाता। लेकिन इन लोगों ने आस लगा रखी थी इनका तीसरा बेबी होगा, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग एक बेबी को अडॉप्ट करेंगे। और ये लोग पहुँच जाते हैं अनाथ आश्रम में, जहाँ पर ये लोग एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं जो लड़की दिखने में तो बच्ची लगती है लेकिन वो अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है क्योंकि वो सारी चीज़ें जानती है बाकी लोगों के मुकाबले। और जब से वो लड़की घर में आई है तब से जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बहुत सी अजीब चीज़ें होने लगती हैं। एक एक करके सभी फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल पहुंचने लगते हैं क्योंकि ये लड़की खाली दिखने में एक बच्ची है, इसके अंदर किसी और की आत्मा है। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियोज पर और नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।